गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डीएनसी दॅट इज डायरेक्ट न्यूमरिकल कंट्रोल याच्याबद्दल शिकणार आहोत. जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने डीएनसी का आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, दैट मीन्स वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट न्यूमरिकल कंट्रोल. देखो इन्वेंशन कैसे हुआ था, पहले कन्वेंशनल मशीन्स, उसके बाद एनसी मशीन्स, उसके बाद सीएनसी मशीन्स और सबसे लास्ट में डीएनसी मशीन्स. मतलब सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अगर हमको किस में देखने को मिलती है तो दैट इज डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल इस पर्टिकुलर पॉइंट में या फिर इस मशीन्स में हमको कुछ एडवांस चीजें सीखने को मिल सकती है. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द डीएनसी. डीएनसी इज डिफाइंड एज द सिस्टम, ये एक ऐसी सिस्टम है इन विच अल्फा न्यूमेरिकल कोडेड प्रोग्राम्स आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड. जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, जो भी हमारा अल्फा न्यूमेरिकल कोडेड प्रोग्राम होगा वो हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे. किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? टू द मोर देन वन सीएनसी मशीन. एक से ज्यादा सीएनसी मशीन्स को, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो एक से ज्यादा सीएनसी मशीन टूल को हम क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे. कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? बाय यूजिंग अ सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर. मतलब सेंटर में एक ही कंप्यूटर होगा और इस कंप्यूटर से हम सारे सीएनसी को उस प्रोग्राम का इंट्रोड्यूस कर देंगे. मतलब यहाँ पे एक सीएनसी होगा, यहाँ पे दूसरा सीएनसी, तीसरा सीएनसी, चौथा सीएनसी, पांचवा और यहाँ पे छठा. आप कितने भी सीएनसी उसके ऊपर क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो. मतलब सीएनसी में क्या करते थे हम, सीएनसी में जो हमारा प्रोग्राम है ना वो पर्टिकुलर सीएनसी के लिए प्रोवाइड करते थे. मान लो कि एक सीएनसी मशीन है, मान लो कि एक सीएनसी लेथ मशीन है, तो हम क्या करते थे उस सीएनसी लेथ मशीन को वहां पे हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते थे. जो भी हमारे पास प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को हम उस सीएनसी मशीन के ऊपर लोड किया करते थे. लेकिन डीएनसी में क्या होता है, ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोडेड वाला प्रोग्राम है उसको हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे. किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? मोर देन वन सीएनसी मशीन टूल. एक से ज्यादा सीएनसी मशीन टूल में उस प्रोग्राम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर उस प्रोग्राम को हम इंसर्ट करेंगे. किसके जरिए से करेंगे? फ्रॉम अ सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर. कोई तो एक सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको कंटिन्यूअसली हम मेन फ्रेम के थ्रू उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं उस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड को, उस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं. राइट, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि मतलब सेंट्रली एक सिस्टम होगा, सेंट्रली एक कंप्यूटर की सिस्टम होगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन सारे सीएनसी मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे थ्रू द अल्फा न्यूमेरिक कोडेड प्रोग्राम. This way, it was possible to control the CNC machine tool directly by the control computer. मतलब जो भी हमारे पास सेंट्रल सिस्टम है ना, उस सेंट्रल सिस्टम का यूज करके हम इन सारी CNC machines के टूल को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. Hence, named the direct numerical control. इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया है, direct numerical control. मतलब मोर देन वन सीएनसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ वन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर. दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन, दे हैव गिवन द नेम ऑफ द सिस्टम इज द डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम. ऑन द शॉप फ्लोर ऑल सीएनसी मशीन टूल्स आर लिंक्ड टू द सेंट्रल कंप्यूटर विद अ लेंथी केबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मशीन कमांड डेटा. उसमें क्या होता है, जितने भी शॉप फ्लोर के ऊपर जितने भी सीएनसीज है ना, उन सभी सीएनसीज को हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं. किससे लिंक करना है हमको, सेंट्रल कंप्यूटर से लिंक करना है. क्लियर, दैट ऑल शॉप फ्लोर सीएनसीज आर कंट्रोल्ड टू द सेंट्रल कंप्यूटर विथ अ लेंथी केबल. मतलब बहुत सारे केबल्स हम क्या करते हैं, बहुत सारे केबल से हमारे पास जितने भी सीएनसीज है तो उन सभी सीएनसीज का कनेक्शन हम किसको प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कमांड डेटा. मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी प्रोग्राम्स हमको देना है
इस प्रोग्राम का ट्रांसमिशन करने के लिए ये जो केबल है वो केबल हम कनेक्ट करते हैं। किसको, किसके साथ कनेक्ट करते हैं? जितने भी सीएनसी मशीन्स हैं उन सभी सीएनसी मशीन्स का केबल हम, ये जो हमारे पास सेंट्रल कंप्यूटर है उस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ हम क्या करते हैं, उसका कनेक्शन कर देते हैं। द सेंट्रल कंप्यूटर हैज लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो भी सेंट्रल कंप्यूटर होगा ना, उस सेंट्रल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटी होगी। मान लो कि एक सीएनसी के ऊपर हम 100 प्रोग्राम फिट करेंगे, तो जितने भी कंप्यूटर्स, सॉरी जितने भी सीएनसीज इन ये सेंट्रल कंप्यूटर को अटैच है ना, तो उनके सारे प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर करने पड़ेंगे, हमको सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर ही स्टोर करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा, ये सेंट्रल कंप्यूटर को स्टोरेज फैसिलिटी बहुत ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। जब तक हम नहीं बोल सकते कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, तब तक हम उसको अच्छी तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ड्यू टू द सेंट्रल कंप्यूटर स्टोर्स द प्रोग्राम फॉर ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन द पर्टिकुलर शॉप फ्लोर एंड सेंड्स द नीडेड पार्ट प्रोग्राम टू द पर्टिकुलर सीएनसी मशीन टूल्स। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, हमको जितने भी पार्ट्स बनाने हैं ना, उन सभी पार्ट्स को हम अच्छी तरीके से उनका जो भी, मतलब मान लो कि एक कंपोनेंट बनाना है मुझे, तो उस कंपोनेंट का प्रोग्राम उस पर्टिकुलर सीएनसी मशीन्स के ऊपर थ्रू चला जाएगा, बिकॉज वी आर हैविंग लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी, हमारे पास बहुत लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जो भी हमारी फैसिलिटी होने की वजह से जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सीएनसी मशीन टूल को, उसका जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को बेच के वो पर्टिकुलर जॉब हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। द सीएनसी मशीन टूल हैज अ मिनी कंप्यूटर व्हिच एक्सेप्ट रिसीव्ड अ प्रोग्राम फ्रॉम द सेंट्रल कंप्यूटर। अभी जो भी सीएनसी मशीन टूल है, वो सीएनसी मशीन टूल क्या करेगी, मिनी कंप्यूटर से जो भी डेटा आएगा, जो भी प्रोग्राम उसको मिलेगा ना, वो क्या करेगी, रिसीव करते रहेगी फ्रॉम द सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर से जो भी हमको मिल रहा है डेटा, मतलब जो भी प्रोग्राम रन करने के लिए मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअसली उसको फीड सीएनसी मशीन टूल में, उसको कंटिन्यूअसली हम फीड करते रहेंगे। द मिनी कंप्यूटर टेम्पररीली स्टोर द रिसीव्ड प्रोग्राम, और वो जो मिनी कंप्यूटर होता है, वो मिनी कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी डेटा मिल रहा है या फिर जो भी प्रोग्राम मिल रहा है ना, उसको टेम्पररीली स्टोर करके रखता है राइट। जब हम मिनी कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो मिनी कंप्यूटर में मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट भी बताया था, दैट इज कॉल्ड एज अ बफर जोन। तो बफर जोन में मैंने आप लोगों को बताया था कि बफर जोन इज अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस, मिनी कंप्यूटर के बारे में बोला था राइट। तो वो जितना भी डेटा है ना, उस डेटा को क्या करता है, टेम्पररीली स्टोर करके रखता है, नॉट परमानेंटली स्टोर करके रखता है। मतलब उसका काम होने के बाद उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो ठीक उसी प्रकार का फंक्शन यहाँ पे हम मिनी कंप्यूटर का देख सकते हैं। देन द सीएनसी ऑपरेटर रन्स दिस रिसीव्ड प्रोग्राम टू द मैन्युफैक्चरर द कंपोनेंट। बाद में क्या करेगा सीएनसी ऑपरेटर, क्या करेगा वो सीएनसी ऑपरेटर आएगा और उस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ रन करेगा, मतलब ग्रीन बटन दबा के वो क्या कर देगा, रन कर देगा। जो भी वर्कपीस है उस वर्कपीस को मशीन के टेबल के ऊपर वो लोड कर देगा, और जैसे वो लोड हो जाएगा तो तुरंत जो भी पार्ट हमको मैन्युफैक्चरर करना है, उस पार्ट को क्या कर देंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे राइट। देखो सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि सीएनसी और डीएनसी में बेसिक डिफरेंस, या फिर सीएनसी जो डीएनसी है वो सीएनसी से रेफर, मतलब अलग कैसे होती है, यहाँ पे एक ही प्रोग्राम हम नंबर ऑफ सिस्टम को भेज सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग सिस्टम के थ्रू भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब सेंट्रली एक कंप्यूटर होगा, एक ही कंप्यूटर से सारे सीएनसी मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये उसकी मेन खासियत है, क्लियर। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट केयरफुली। मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हम एक ही कंप्यूटर से देंगे और सारे सीएनसीज को प्रोवाइड करेंगे। जितने भी सीएनसीज केबल के थ्रू जो सेंट्रल कंप्यूटर है वो सेंट्रल कंप्यूटर से अटैच होंगे, उन सभी को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। टू प्रोसेस द एनसी प्रोग्राम यूजिंग द एपीटी और अदर लैंग्वेजेस
एपीटी एक लैंग्वेज है प्रोग्राम की और अदर लैंग्वेजेस द प्रोसेसिंग ऑफ अ पार्ट इज परफॉर्म इन द सेंट्रल कंप्यूटर। तो जो भी प्रोसेसिंग का पार्ट है ना, मतलब मान लो कि कुछ लॉजिक गेट्स का कैलकुलेशन है या फिर कुछ अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ एडिशन सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, तो ये सारा का सारा पार्ट्स, मतलब ये जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, ये प्रोसेसिंग का पार्ट कहाँ पे हो जाएगा? सेंट्रल कंप्यूटर में ही हो जाएगा। मतलब सीएनसी का जो एमडीआई पैनल है, वहाँ पे हमको कैलकुलेशंस को परमिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो सभी के सभी कैलकुलेशंस कौन परफॉर्म करेगा? ये सेंट्रल कंप्यूटर परफॉर्म कर लेगा। दिस परमिट्स द मोस्ट इफिशियंट वे टू करेक्ट द पार्ट प्रोग्राम एंड ट्रांसफर द रिक्वायर्ड डेटा टू द अप्रोप्रिएट सीएनसी मशीन टूल। इससे क्या होगा? दिस इज द मोस्ट इफिशियंट वे, मतलब ये बहुत आसान तरीका है या फिर ये सबसे इफेक्टिव वे है किसके रिगार्डिंग? टू करेक्ट द पार्ट प्रोग्राम। मान लो कि किसी पार्ट प्रोग्राम में कुछ ड्रॉबैक आ चुका है, वो प्रोग्राम अच्छी तरीके से रन नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वी कैन एडिट दिस पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम इन टू द सेंट्रल सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है, उस सेंट्रल कंप्यूटर में ही हम क्या करेंगे, उस पार्ट प्रोग्राम को एडिट करेंगे एंड ट्रांसफर द डेटा टू द रिक्वायर्ड सीएनसी, मतलब जिस सीएनसी को वो डाटा चाहिए, तो उस सीएनसी को वो अप्रोप्रिएट डेटा उस सीएनसी मशीन टूल को मिल जाएगा। Thus, a single central computer can serve several CNC machine tools. मतलब एक ही सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर है जो कि सारी CNC मशीन को सर्व करता है। क्या सर्व कर रहा है? वो कुछ खाने की चीजें सर्व नहीं कर रहा है, वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? जो भी इंस्ट्रक्शनल डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, उन सभी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को वो सारे की सारे CNC मशीन टूल्स को क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है। मतलब वॉट एवर द डेटा रिक्वायर्ड फॉर द CNC, फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उन CNC मशीन्स को जो भी डेटा चाहिए था, वो सारा का सारा डेटा किससे पता चलेगा हमको? ये सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से मिल जाएगा। राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CNC सिस्टम एंड द NC सिस्टम। And the second difference is about the CNC machine and the DNC machines. देखो, ये जो दो difference है ना, मैंने अभी आपको दो points बताए, difference between the CNC and NC, and second one is the difference between the CNC and DNC. ये दोनों point बहुत important है, ये दोनों points आप लोगों को अच्छी तरीके से prepare करके रखना है, clear? ये बहुत important है, exam में आपको ये दो पॉइंट्स के ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, एक के ऊपर एक तो डिफरेंस आपको एग्जामिनर पक्का पूछने वाला है, या फिर NC और CNC का डिफरेंस पूछेगा, या फिर CNC और DNC का डिफरेंस पूछेगा। तो देखो, NC में जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इन सभी डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ लो पहले, ओके? तो हम वन बाय वन सारे के पॉइंट्स कवर कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस ऐसे ही लिखना है। रिमेंबर दैट बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है लास्ट टाइम इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड हीट ट्रीटमेंट में, आई थिंक कुछ तो डिफरेंस का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इन द पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। आई ऑलवेज रिपीट, हमेशा जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस दो कॉलम में ही लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने, ओके, इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो ऐसे ही डिफरेंस लिखते हैं, मतलब एक कॉलम आपका NC का हो गया और दूसरा कॉलम आपका CNC का हो गया, क्लियर? जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस इसी फॉर्मेट में, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डिफरेंस लिखने का, इसी फॉर्मेट में डिफरेंस लिखो प्लीज, ओके? सो NC में फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट इज अ सिस्टम इन विच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा थ्रू द पंच्ड टिप। यहाँ पे जितनी भी एक्शंस है, मतलब NC मशीन्स के अंडर जितनी भी एक्शंस होती है, उन सभी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, उन न्यूमेरिकल डेटा को हम डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं थ्रू द पंच्ड टेप। इन पंच्ड टेप का यूज करके हम हमारे पास जो भी प्रोग्राम है या फिर जो भी अल्फा न्यूमेरिकल डेटा है, उन अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पंच्ड टेप। CNC में क्या करते हैं? इट इज द सिस्टम इन विच
एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मिनी कंप्यूटर. इन शॉर्ट एनसी मशीन में जो पंच टेप यूज होता है ना, उसको हमने सीएनसी मशीन्स में माइक्रो कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया है. सिंपल बात याद रखो, एनसी मशीन्स में जितनी भी एक्शंस है उन सभी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पंच टेप की जरूरत होती है, हमको पंच टेप की नेसेसिटी होती थी. लेकिन सीएनसी मशीन में ऐसा कोई नहीं है. सीएनसी मशीन्स में जो भी पार्ट है ना, तो सीएनसी मशीन्स में ऐसी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन सी सिस्टम है, मिनी कंप्यूटर की सिस्टम. सेकंड, इन अ एनसी सिस्टम द प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड ऑन द पेपर टेप ऑन द मैग्नेटिक कार्ड और ऑन द मैग्नेटिक टेप भी बोल सकते हो आप उसको. इन द एनसी सिस्टम द प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड ऑन द पेपर टेप, मतलब जो भी प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम किसके थ्रू बनाएंगे हम, पेपर टेप के थ्रू. उस प्रोग्राम का क्या करेंगे हम, उस प्रोग्राम को हम पेपर टेप के थ्रू बना सकते. इन द सी एन सी सिस्टम द प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड ऑन द डायरेक्ट ऑन द सी आर टी ऑफ द मिनी कंप्यूटर. यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम डायरेक्टली सी आर टी की जो स्क्रीन होती है ना, उस स्क्रीन के ऊपर ही डायरेक्टली हम क्या बना देंगे, उसमें हम प्रोग्राम बना देंगे. ओके, तो ये बात याद रखो, यहाँ पे पंच्ड पेपर टेप के ऊपर हम प्रोग्राम बनाते हैं. द प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड ऑन द पंच्ड टेप इन द एनसी मशीन्स, बट इन केस ऑफ द सीएनसी मशीन्स द प्रोग्राम इज डायरेक्टली इंसर्टेड और प्रोग्राम इज डायरेक्टली प्रिपेयर्ड ऑन द सीआरटी ऑफ द मिनी कंप्यूटर. नेक्स्ट, फ्लेक्सो राइटर एंड द पंच्ड टेप राइटर आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द पंच्ड टेप प्रोग्राम. यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, फ्लेक्सो राइटर और पंच्ड टेप राइटर. राइटर मतलब देखो आप लोगों को वो टाइप राइटर की मशीन पता होगी देखो, तो उस तरीके का कुछ पंच्ड टेप राइटर या फिर फ्लेक्सो राइटर का हम यूज किया करते थे फॉर प्रिपेयरिंग द पंच्ड टेप प्रोग्राम. मतलब ऐसे जो सीएनसी मशीन में जो प्रोग्राम्स है ना, उन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम ये फ्लेक्सोमीटर्स या फिर पंच टेप राइटर का यूज किया करते थे. लेकिन अगर आप सीएनसी की बात करते हो तो सीएनसी में क्या होता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है. इस कंप्यूटर के कीबोर्ड का यूज करके हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं और वो जो भी हम एडिट करते हैं वो पूरा का पूरा वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम देख भी सकते हैं. सो दैट्स व्हाई जो भी प्रोग्राम को एडिट करना है या फिर प्रोग्राम को जो भी प्लस माइनस करना है या फिर कुछ भी इंसर्शन करना है, तो वो किसके थ्रू करेंगे हम, कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू. ये सारी चीज़ें हम सीएनसी मशीन में कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ द एनसी मशीन, एनसी मशीन में आपको किसका यूज करना पड़ता है, फ्लेक्सोमीटर का यूज आप लोगों को करना पड़ता है. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द प्रोग्राम इज फीड टू द मशीन थ्रू द पंच्ड टेप. एनसी मशीन में जिस प्रोग्राम को हमको मशीन टूल में फीड करना है तो वो किससे फीड करेंगे हम, पंच्ड टेप के थ्रू हम उसको फीड करेंगे. एंड सीएनसी मशीन में क्या होता है, द प्रोग्राम इज फेड थ्रू द मशीन थ्रू द कंप्यूटर. ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है एनसी और सीएनसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, एनसी में कंप्यूटर का यूज नहीं होता था, लेकिन जैसे 1970 में कंप्यूटर का इन्वेंशन हो चुका था, हमने एनसी मशीन्स को सीएनसी मशीन्स के साथ उसको जोड़ दिया है. तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोग्राम इंसर्शन होता है या फिर प्रोग्राम फीड जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इन अ सीएनसी सिस्टम द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द पार्ट इज रिक्वायर्ड. यू वुड हैव अ चेंज द पंच टेप प्रोग्राम एंड द फीड इट टू द मशीन अगेन. मतलब अगर हमको कुछ भी चेंज डायमेंशन में चेंज करना है, यहाँ पे सॉरी एनसी मशीन है, इट इज नॉट द सीएनसी मशीन. इन एनसी सिस्टम अ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ अ पार्ट इज रिक्वायर्ड. यू वुड हैव अ चेंज, मतलब अगर हमको कुछ डायमेंशन चेंज करने हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, ये जो पंच टेप है ना, तो उस पंच टेप को निकाल के फिर से नया पंच कार्ड्स क्या करना पड़ता है, नया पंच टेप क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है अगेन. इन सीएनसी सिस्टम इफ अ चेंज इन अ डायमेंशन इज अ पार्ट रिक्वायर्ड, यू जस्ट चेंज द वेरिएबल इन द कंप्यूटर, योर मॉडिफिकेशन इज डन. मतलब एनसी मशीन में क्या होता है, पूरा का पूरा पंच टेप जो है उस पंच टेप को आपको रिप्लेस करना पड़ता है नए पंच टेप से.
लेकिन अगर आप सीएनसी मशीन का यूज करते हो तो सीएनसी मशीन में क्या होता है, यू नीड टू चेंज जस्ट अ वेरिएबल, आपको सिर्फ वेरिएबल चेंज करने की जरूरत होगी, आपको बाकी कुछ चेंज करना नहीं है, मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर उसमें रिप्लेस आप लोगों को नहीं करना है, क्लियर। इसमें सिंपली यू हैव टू रिप्लेस, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वेरिएबल है ना उस वेरिएबल को आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारा का सारा चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात आप लोग याद रखो, दैट इज यू नीड टू चेंज ओनली द वेरिएबल्स एंड योर मॉडिफिकेशन विल बी डन, आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। इट इज अ हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम विच रिक्वायर्स द कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर सर्किट्स एंड द लेस फ्लेक्सिबल। सीएनसी मशीन कैसी है, ये टोटली हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है, कंप्लीटली हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है, एंड इट इज ऑल्सो द कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड लेस फ्लेक्सिबल, मतलब अगर कुछ भी हमको चेंज करना पड़ेगा, अगर कुछ भी हमको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम का सेटअप हमको चेंज करना पड़ेगा। और सीएनसी क्या होती है, सीएनसी इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इफिशियंसी में या फिर सिस्टम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी में, सॉरी ड्यू टू द माइक्रो प्रोसेसर की यूज की वजह से इस सीएनसी मशीन में की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एरर्स करेक्टिंग इज डिफिकल्ट, इट इज कॉस्टली प्रोसीजर, दिस प्रोसीजर कॉजेज द कंसिडरेबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड मनी। एरर करेक्टिंग इज डिफिकल्ट, इसमें जो एरर करेक्शन होता है ना एनसी मशीन में, जो भी अगर हमको एरर करेक्शन करना है तो एरर करेक्शन इज क्वाइट डिफिकल्ट, यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हमको एरर करेक्शन में भी आ सकती है। और प्रोसीजर कॉजेज द कंसिडरेबल, मतलब एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसमें हमको कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकती है। बट अगर आप सीएनसी मशीन्स की बात करते हो, एन इम्प्रूवमेंट इन द पॉसिबिलिटीज फॉर करेक्टिंग द एरर्स ड्यू टू द कंप्यूटर इन द सीएनसी सिस्टम। सीएनसी सिस्टम में क्या हो चुका है, ड्यू टू द एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करने की वजह से सीएनसी मशीन जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से है। तो इसीलिए ये सीएनसी मशीन की वजह से क्या हो चुका है, अगर कुछ भी हमको एरर करेक्शन करना है तो वो एरर जो है ना, वो एरर क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से इलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से मतलब कंप्यूटर का यूज करने की वजह से यहाँ पे क्या हो चुकी है, सीएनसी में बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीएनसी एंड डीएनसी। सीएनसी इज अ सेल्फ कंटेंड एनसी सिस्टम फॉर अ सिंगल मशीन टूल, इट इंक्लूड्स अ मिनी कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, सीएनसी मशीन में जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बताया था कि सीएनसी में इटसेल्फ अ सेल्फ कंटेंट एनसी सिस्टम, मतलब सीएनसी में इटसेल्फ एक एनसी सिस्टम होती है जो सिंगल मशीन टूल को ऑपरेट करती है, और उसके साथ में उसमें क्या होती है, एक मिनी कंप्यूटर भी होता है। DNC refers to the system of several machine tool directly controlled by the central or mini computer, main frame computer. CNC में क्या होता है, सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता है। एक कंप्यूटर की वजह से क्या हो सकता है, एक कंप्यूटर की वजह से क्या क्या इंक्लूड कर सकते, सिर्फ एक ही CNC को हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन DNC में क्या होता है, वी कैन हैंडल और वी कैन कंट्रोल द सेवरल मशीन्स बाय यूजिंग अ सेंट्रल कंप्यूटर। One single mini computer serves only one machine tool. Second point, CNC का second point देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक mini computer क्या करता है, only serves for a one machine tool. मतलब एक mini computer क्या करेगा, one single computer serves only one machine tool. और यहाँ पे क्या होता है, DNC में क्या होता है, a single mainframe computer can serves the number of machine tool. मतलब DNC में हम एक से ज्यादा सीएनसी मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल मेन फ्रेम कंप्यूटर और बाय यूजिंग अ सेंट्रल कंप्यूटर। द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड इन द सीएनसी सिस्टम
इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सीएनसी जब देखते हैं ना तो सीएनसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हैं, मतलब जितनी कम कॉस्ट हो उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। द कंप्यूटर यूज्ड इन द डीएनसी सिस्टम इज ऑफ द मीडियम साइज और एनलार्ज्ड कंप्यूटर विथ एक्सपांडिंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जब सिंपल लॉजिक है यार, जब हम एक ही सीएनसी मशीन यूज करते हैं ना तो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत मायने रखता है, उतना ज़्यादा स्टोरेज की हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप एक ही सेंट्रल सिस्टम को या फिर एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर को बहुत सारे सीएनसीज को केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो ना, देन यू नीड टू एक्सपांड योर मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर। तब आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट डेटा प्रोग्राम स्टोरेज कैपेसिटी इज लेस। और यहाँ पे क्या होगा, डीएनसी में क्या क्या होगा, पार्ट डेटा प्रोग्राम्स आर केप्ट इन अ लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज फैसिलिटी। जैसे हमको पता है कि सीएनसी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू द डीएनसी, सीएनसी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हमको ज़्यादा पार्ट प्रोग्राम को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप डीएनसी का यूज करते हो या फिर अगर आप डीएनसी में देखते हो ना, तो डीएनसी में क्या होता है, यू हैव टू और यू नीड टू हैव सम लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज फैसिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हो तो ईच सीएनसी मशीन रिक्वायर्स द इंडिविजुअल प्रोग्रामर। यहाँ पे क्या होता है, हर सीएनसी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम लगेगा। मान लो कि आपके पास 10 सीएनसी मशीन्स है तो 10 सीएनसी के लिए आपको 10 प्रोग्रामर लगेंगे या फिर 10 ऑपरेटर्स लगेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, डीएनसी मशीन्स में वन प्रोग्रामर कैन सेंड द प्रोग्राम्स टू ऑल लिंक्ड सीएनसी मशीन टूल्स। डीएनसी का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, डीएनसी क्या करता है, जितने भी सीएनसीज उसको कनेक्टेड है उन सभी सीएनसीज को एक ही प्रोग्रामर क्या कर पाएगा, एक ही प्रोग्रामर वो उनको अच्छी तरीके से सारे के सारे प्रोग्राम भेज सकता है। सो दैट वन इज द वन ऑफ द बेनिफिट, मतलब हर सीएनसी मशीन्स के ऊपर एक एक जो प्रोग्रामर था तो उस प्रोग्रामर की फैसिलिटीज को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बाय यूजिंग द डीएनसी मशीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है, सीएनसी मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड ओनली फॉर कंट्रोलिंग द मशीन टूल। ये जो सीएनसी का जो मिनी कंप्यूटर है वो सिर्फ एक ही मशीन टूल हैंडल करेगा, ओनली फॉर कंट्रोलिंग द मशीन टूल। लेकिन डीएनसी का जो कंप्यूटर है वो हम अदर टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक हम उसका डिजाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लानिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमको इन्वेंट्री कंट्रोल डील्स विद द मटेरियल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल में बेसिकली हम क्या करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, तो वो मटेरियल मैनेजमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनसी कंप्यूटर में, मतलब डीएनसी अगर सिस्टम यूज करते तो हम उसमें डिजाइन भी कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं और इन्वेंट्री कंट्रोल भी उसी के ऊपर हम कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे जो सीएनसी का मिनी कंप्यूटर है वो तो सिर्फ एक ही काम करता है, सिर्फ कंट्रोलिंग का काम करता है। लेकिन डीएनसी का जो कंप्यूटर, मतलब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो क्या कर सकता है, डिजाइन, प्लानिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल भी कर सकता है। इन सीएनसी मशीन्स इंस्ट्रक्शन कैन इनपुट डायरेक्टली इनटू द कंट्रोलर यूनिट मैन्युअली, दिस मेथड इज कॉल्ड मैन्युअल डेटा इनपुट। यहाँ पे क्या होता है, मैन्युअल डेटा इनपुट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सीएनसी को जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है वो इंस्ट्रक्शंस हम मैन्युअल डेटा इनपुट के थ्रू ही प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, डीएनसी इंस्ट्रक्शंस आर फेड डायरेक्ट इनटू द सीएनसी कंट्रोलर। यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करता है, डायरेक्टली इनटू द कंट्रोलर के ऊपर भेजता है और डीएनसी के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को ये डायरेक्टली फेड करेगा। फेड करना मतलब इनपुट देना इनटू द सीएनसी कंट्रोलर और अ डीएनसी इन विच सीएनसी मशीन्स आर कंट्रोल्ड बाय द मेन फ्रेम कंप्यूटर। या तो हम डायरेक्टली सीएनसी कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस देंगे या फिर हमारे पास जो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, उस मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट लिंक ओमिटिंग द टेप रीडर। मतलब यहाँ पे हम टेप रीडर को क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, मतलब उसको रिमूव कर देंगे। डायरेक्टली जो भी इंस्ट्रक्शंस हमको प्रोवाइड करने हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हम या तो सीएनसी कंट्रोलर को प्रोवाइड करेंगे या फिर हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर हमारे पास जो सेंट्रल कंप्यूटर है
उस सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू ही हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो आज के लेक्चर्स में हमने डीएनसी मशीन्स की डेफिनेशन, डीएनसी मशीन्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन द एनसी एंड सीएनसी पढ़ा है, और उसके साथ में डिफरेंस बिटवीन सीएनसी एंड डीएनसी पढ़ा है. ये दोनों डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू.